पाकिस्तान की 3 नंबर का तोफ है, इसका जो नाम है कलाल बांगड़ी, उसका नाम है गायमुख और उसका नाम है चावड़ी। इसका वेट वजन कितना है? ये 22 टन है, 22,000 किलो का। उस जमाने में इसको लाया गया नहीं है, इसको जगह पे जॉइंट करके बने हैं। एक लेडीज लोग कंगन पहनते हैं कांच का, उस तरह का लोखंड का होता था, ये अलग अलग पीस करके उसको जॉइंट करके बने हैं। देखो उस जमाने में तो लाइट नहीं था, अपना वेल्डिंग वाला सिस्टम नहीं था, जो लेट आता है ना शीशा उसको पिघला के इधर ही जॉइंट करके बने हैं। देखो इसको चलाने के कैसे, ये पहिए वाला चाक था, चाक के जरिए पीछे हटाने के, ये आगे से खुला, ये आगे से गोला बारूद भरने के और पीछे से वात लगाने के। देखो यहाँ से ये जैसे जैसे टूट गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पक्का कर दिया। देखो 10 मिनट अपन धूप में खड़ा रहेगा, अपना सर गर्म होता है, बदन निट हो जाता है, लेकिन ये 12 घंटा धूप में रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। इसका जो मेटल है ये 5 मेटल का पंच धातु का बना हुआ और इसका जो रेंज है ये 12 किलोमीटर। देखो उसके बाजू वाला है, उसका नाम है गायमुख, क्योंकि उसका आकार है गाय की तरह है, और उसका नाम है चावड़ी, क्योंकि चलने में चालक थी, उसका नाम है चावड़ी। ऐसे किले में 122 तोप है। लीजिए वीडियो ले लिया, भागोगे तो कैसे निकालेंगे? दीवार दिख रहा है सामने वाला, यहाँ 550 की बस्ती थी, 550 की बस्ती बोले तो 2,500 आदमी रहने का, और हर मजहब का रहता था। इसमें 4 मस्जिद, 1 मंदिर है और 2 मीठे पानी के तालाब है। देखो सामने वाला जो तालाब है ये 60 फीट गहरा है, और एक दूसरा बताऊंगा वो 40 फीट गहरा है। ऐसे दिनों में ये लोग को खेती बाड़ी करना हो तो सामने वाले गांव में चले जाते थे, ये सुबह जाने के और शाम में रिटर्न आने के। ये 1972 में लोग आके चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि 3 महीना गुजारा नहीं होता था, ये मई जून और जुलाई 3 महीना गुजारा नहीं होता था, इसके लिए यहाँ से खोल के सामने वाले गांव में लेके चले गए, क्योंकि अभी भी मौजूद है। जिधर अभी कैसा अपन एक एक आदमी उतरा, लेकिन 3 महीने में समंदर का लाट इतना बढ़ जाता है, ये वेव इतना बढ़ जाता है कि एक आदमी के पीछे में ये चढ़ने और उतरने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, इसके लिए 3 महीना बोट बंद रहता है। ये 1972 में लोग तो चला गया, लेकिन इसके खिड़की दरवाजे छत थे, रहने का सामान था, यहाँ से खोल के सामने वाले गांव में लेके चले गए, क्योंकि अभी भी मौजूद है। जिधर तुमने पार्किंग किया ना वहाँ की बस्ती, यहाँ रहने की। देखो इसमें 2 कुएं भी है, एक कुआ है जो पीछे साइड में है, जैसा बैक साइड बोलते हैं ना, पीछे साइड में है, ये गवर्नमेंट का लोग आता है पानी पिलाने के लिए, वो झाड़ के नीचे बैठा है, और एक दूसरा कुआ है, लोगों ने उसको डस्टबिन बना दिया क्योंकि वो सूख गया है। ये 22 बुरुज है और उसने एक एक साल में एक एक बुरुज बांधा है। सब में बड़ा बुरुज ये है, इसका जो नाम है बहादुर शाह बुरुज, ये 1118 में काम स्टार्ट किया और 1140 में काम खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट करके इधर ही एंड किया। देखो ये किला जीतने के लिए शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने सामने वाला किला बांधा था, पद्मधुर कासा किला, क्योंकि लोग को जाता नहीं, क्योंकि नेवी के अंडर में है, अगर किसी को जाना होता है तो नेवी से परमिशन लेने के बाद वहाँ चले जाते, अपना ये पर्दे वाला बोट वो नहीं जाता, जो मोटर बोट आता है ना इंजन वाला वो लेके जाता है और वही लेके आता है। ये किला जीतने के लिए सामने वाला किला बांधा था और रायगढ़ के किले पे हमला हो गया, तो वो किला बचाने के लिए ये किला अधूरा छोड़ के चला गया और इसको कोई जीता नहीं। ये किला जीतने के लिए सामने वाला किला देखेंगे, आपने जो मुरुग बीच से देखेंगे पद्मधुर कासा किला, ये 22 एकड़ में है और वो 16 एकड़ में है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, क्योंकि पहले लोग जाने का अभी जाने नहीं देता, क्योंकि इसके पहले ये तोप वगैरह चोरी हुआ था, कैनिन चोरी हुआ था, इसके लिए नेवी के कब्जे में वो चला गया। वॉच टावर, ये वॉच करने की जगह, सैनिक लोग खिड़की में बैठ जाने के, पता नहीं चलने का कि अंदर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि अंदर काला हो गया, गुप हो गए, समझ भी नहीं आता है। ये अंदर से बाहर का सब इधर का दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नजर नहीं आता है। सपोज अपन बोट में जाके बैठेंगे तो बोट में से देखो ये विंडो नजर आएगी, लेकिन अंदर का कुछ नजर नहीं आएगा। ये जो किला बना है ये 3 फ्लोर में बना है, फर्स्ट वाला ऊपर वाला, सेकेंड ये थर्ड वाला नीचे, जैसा गोला बारूद बनाते ना उसका स्टोर, क्योंकि अभी झाड़ी खंडर हो गया इसके लिए लोग
जाता नहीं। देखो ये तीन फ्लोर में उसको बनाया कैसे, वो नीचे का जो फ्लोर है उसको विंडो वगैरह कुछ नहीं है, खाली दरवाजे हैं। अगर विंडो रहेगी तो गोला बारूद गर्म हो जाएगा, एक तो समुंदर के पानी से या तो फिर बरसात के पानी से फट जाएगा। देखो ये तीन फ्लोर में उसको बनाया कैसे, उस जमाने में तो अंबुजा सीमेंट तो था नहीं, ना स्टील था, चूना सीसा गुड़ और समुंदर का रेत। देखो माल लगा के पत्थर जॉइंट किया और बीच में एक लॉक सिस्टम है, जैसा अपन दरवाजे को लॉक कर दे, लॉक खुलने के बाद दरवाजा खुल जाता है, उसका सिस्टम ये है। अगर ये बीच का पत्थर निकालेंगे ये नीचे तो देखो ये 60-70 गिर जाते हैं, उसके बहुत सारे निकल जाते हैं, लेकिन अभी इसको 1,500 करोगे अभी भी जैसा के वैसा ही। अभी फिलहाल अपने कोई देखना है निकालना नहीं है, अगर ये निकालेंगे जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, और हो जाए तो इनकार मत करना, चलना उसकी राहों पे, वरना जिंदगी किसी की बर्बाद मत करना। वाह 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 वाह। गवर्नमेंट ने यहाँ से बंद किया है और गांव वालों ने वहां से बंद किया है, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल के खड्डे में गिर जाने के, इसके लिए गांव वालों ने वहां से बंद किया है और गवर्नमेंट ने यहां से बंद किया है। देखो अभी भी 15 स्टेप दिखते है, अभी भी 15 स्टेप दिखते है, लेकिन लोग जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अंदर वटवा गुल है, पैड्स बोलते हैं ना, कारों पे रखे हुए थे, वो अंदर है। जाने के बाद कोई शोर शराबा का करता है, फोटो सेल्फी निकालता है तो डायरेक्ट वो काट लेते हैं। आप में से अगर किसी को जाना है भौरी रास्ते में से, तो जाने से पहले 2 फोटो देना पड़ेंगे, कभी अंदर जाने के बाद कोई गुम हो गया तो 1 फोटो अखबार में देने और एक में लगा। किसी को जाना है देखने के लिए, आगे अंदर किसी को जाना है देखने के लिए तो वहाँ से जाके आ जाओ, क्योंकि आगे के ये वाला कह रहे हैं वो तो मैंने बोला तो स्टोर रूम है इधर। हां ना, वो तो बम बनाने का रास्ता है। बम बनाने अंदर क्या बोला, वो क्या है? बम बनाने का रास्ता है। हटो जरा, 15 स्टेप बोल रहा है, 15 स्टेप गिन लेते हैं, उसके बाद खत्म हो गया तो यही है। किले में ये तीन गेट है जो अपन एंट्री किया, वो फर्स्ट गेट, सेकंड गेट ये, इसका जो नाम है ये चोर गेट। बाई चांस किले पे हमला हुआ तो ये सिद्दी ने उसके फैमिली के लिए वो रास्ता यहाँ से बनाया था। इसमें 2 किस्म के लोग आना जाना करते थे, एक सिद्दी के फैमिली के वास्ते भी बनाया था और इधर के जो वर्कर लोग रहने के, वो लोग का भी आना जाना वो यहाँ से होने का। देखो एक शिप के बाजू में छोटा बोर्ड रहता है फाइबर का, उस तरह का एंगल को बंधा हुआ रहने का, ये जैसा भी जाने का टाइम आने का तो यहाँ से उठा के ये पानी में छोड़ने के, उसके बाद ये गाँव के लिए चले जाते थे। ये वर्कर लोग क्यों आते थे, पानी के बीच में इसको बनाए कैसे, ये 6 घंटा लो टाइड होता था और 6 घंटा हाई टाइड होता था। ये लो टाइड के समय बाहर का काम करने के और हाई टाइड के समय अंदर का काम करने के, इसके लिए इसको 22 साल लग गए। ये 1118 में काम तो स्टार्ट किया, लेकिन जो आइलैंड के पत्थर थे वो बाहर लगाने का, और जैसे पत्थर की कमी महसूस होने लगी तो उसने 2 तालाब बांधा। एक तालाब है ये 60 फीट गहरा है और एक दूसरा है वो 40 फीट गहरा। एक काम में उसके दोनों काम हो गए, ये पत्थर भी निकल गया और पानी भी चालू हो गया। उसके लिए उसने रानी का शीश महल बनाया, आगे जाके देखना। और एक दूसरा बताऊंगा, वो 40 फीट गहरा है। देखो ये सोचने की बात क्या है, ये ऊपर वाले का दिन क्या है, ये साइड में खारा पानी और बीच में मीठा पानी आया था। दो 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 दो
आइलैंड को काटे काटे नीचे जाने के बाद 60 फीट नीचे जाने के बाद एक नीचे झरना लगा, जैसा स्प्रिंग बोलते ना, पानी को चख के देखा तो पानी मीठा था, उसके लिए रानी का शीश महल बनाया। ये रानी का जो नाम था सिद्धि जुबेदा। देखो यहाँ के जो लोग रहने गए तो यहाँ से पानी यूज भी करते थे, अगर बकेट इसमें डालेगा तो पानी खराब हो जाएगा, इसके लिए तालाब के बाजू में ये दोनों साइड में दो टैंक थे, एक ये साइड में था और एक ये साइड में था। रहने के तो वहाँ से पानी यूज करते थे और यहाँ के जो लोग रहने के तो यहाँ से पानी यूज करते थे। ये रानी का इसमें बोले तो ये रोनिंग में दीवार थी ना टूटी हुई, इसमें 7 कलर की काज लगने की, कलर कलर में और चांद और सूरज की रोशनी पड़ती थी तो पानी का कलर 7 कलर में नजर आता था रेनबो की तरह। ये जैसे जैसे टूटने लगे तो यहाँ से खोल के एक विमूर गाँव है, म्यूजियम बने हैं नवाब पैलेस है, यहाँ से खोल के वहाँ लेके चले गए क्योंकि अभी भी मौजूद है। उसके पहले जाने देता था लेकिन जो भी जाता था जिसका उसका नाम लिखता था, इसके लिए नो एडमिशन का बोर्ड लगा है। देखो इस किले का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बाले किला, जैसा बोलते ना उस जमाने में सिद्धि ग्रीन कलर का और अपना हिंदुस्तान का, एक तो 15 अगस्त का नहीं तो फिर 26 जनवरी का। आप में से अगर किसी को जाना है तो 7 मिनट का टाइम है, 7 मिनट में साथ में जाके साथ में आना है क्योंकि अपना पिक्चर खलास में हुआ है, अभी भी 3 पॉइंट अपने बाकी। अगर किसी को भी नहीं जाना है तो मुँह और उंगली लेकर यहाँ से नीचे बैठना जाना है किसी का ऊपर। राजदरबार 7 फ्लोर में था। उस जमाने में लोगों को बुलाने का कैसा, उस जमाने में तो लाइट नहीं था, ये माइक वाला सिस्टम नहीं था, ये वाइट वाला दिख रहा है इसको नगारखाना बोलते हैं। ये जैसा नगारा बजने का, ढोल बजने का, ये यहाँ के जो लोग रहने के अंदर आके जमा हो जाने के, किसी की शादी है, नाच गाना करना हो, मीटिंग करना हो तो अंदर आके जमा हो जाने के। देखो अपने इसमें कोई मरता है, अगर किसी का डेट होता है एक तो दफन कर देते हैं नहीं तो फिर जला देते हैं। वो सिद्धि के टाइम पे कोई मरने का तो बोलो कि समाधि बनाने के ऐसे 5 दरगाह मौजूद है और यहाँ के जो छोटे मोटे लोग रहने के उनको पीछे ले जाके एक तो दफना करने के नहीं तो फिर जला देने के, क्योंकि इसमें 2 मज़हब का लोग रहने का, एक कोली मज़हब रहने का और एक मुस्लिम मज़हब रहने का, इसके लिए इसमें 1 मंदिर और 4 मस्जिद थे। हेलो भाई, भाई। देखो इस किले में ये 2 तालाब है, जो अपन ने देखे वो 60 फीट गहरा था और एक दूसरा है वो ये 40 फीट गहरा है। एक अपन मंदिर में जाने के बाद क्या करते हैं, स्नान करके जाते हैं और मस्जिद में जाना हो तो वजू करके यहाँ से जाने के, क्योंकि दोनों के लिए एक ही तालाब था। देखो यहाँ के जो लोग रहने के, ये लोग का कारोबार कैसा चलने का, ये मच्छी मार्केट भाजी मार्केट के लिए ये गांव के लिए नहीं जाते थे। ये टूटा हुआ दीवार दिख रहा है, यहाँ ये लोग के मार्केट लगने के, ये लोग यहाँ से खरीद के ये लोग का गुजारा हो जाता था। देखो इस किले में ये 3 गेट है, जो अपन एंट्री किया हुआ फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट मिडल वाला बीच वाला और ये थर्ड गेट, जिसका बने हुआ बर्माडिक साग, जो प्योर सागवान आता है ना उसका बने हुआ, इसको बोलते हैं दरबारी गेट। ये राजा लोग का आना जाना होता था, राजा लोग आने के, राजा की ये ओपन हो जाने लेकिन उसके बीजा करते ये पत्थर के थे, ये जैसे जैसे टूटने लगा जगह पे बैठ गया, वो यूज में अभी नहीं।